ये कोशिश करता है, जिसको पता ही नहीं कि कैंपस किस लिए बनाए गए हैं, उसके नेता कभी विश्वविद्यालय नहीं गए, उनके लोग कोई डिग्री नहीं पाए, वो लोग तो पहली कोशिश ये करेंगे कि जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं उसको बर्बाद कर दो। तो ये पूरी की पूरी संघीय सरकार जो नागपुरिया कानून से चलती है, ये चाहती है कि ये कैंपस बर्बाद हो जाए। और इसके लिए ये लोग जो क्लासरूम में क्या बहस होगी इसको भी ये तय करेंगे। और दूसरी बात, आज दिलचस्प ये है कि ये सरकार चलाने वाले लोग हैं दरअसल मूर्ख, क्योंकि इन्होंने शुरू में आते ही देख लिया था कि मॉब लिंचिंग इनके खिलाफ जा रही है, फिर भी चूंकि इनकी फितरत में हिंसा है इसलिए ये हिंसक प्रवृत्ति छोड़ नहीं रहे, और जो काम न्यायपालिका का है, जो काम पुलिस प्रशासन का है, वो काम ये संघी गुंडे अपने हाथ में लेते हैं। हम इसकी भी कड़ी निंदा और आलोचना करते हैं। साथियों, एक बात और समझनी है कि हमारी लड़ाई कई स्तर पर है। एक स्तर पर हमें इन घटनाओं का जवाब भी देना है ताकि इनका मन न बढ़ जाए, लेकिन दूसरे स्तर पर ये लड़ाई भी जारी रहे कि जो कैंपस को बचाने की हमारी लड़ाई है, जो सीट कट फंड कट की लड़ाई है, जो 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई है, जो प्राइवेटाइज करने की इस कैंपस को लड़ाई है, उन सारी लड़ाइयों को हम भूल जाएं। इसलिए भी ये कैसी कोशिश करते हैं कि छद्म राष्ट्रवाद, अभी रतन सर जो कहानी सुना रहे थे, आप कल्पना करिए कि ये कितनी इन पर फिट बैठती। ये सबसे ज्यादा तेजी से देशभक्ति इसलिए चिल्ला रहे हैं कि देश के गद्दार तो ये शुरू से रहे और इनका इतिहास रहा है कि देश के खिलाफ रहे, और इस बात को कैंपस में खुल करके कहने की जरूरत है। जिसे तिरंगा झंडा से ज्यादा प्यारा भगवा हो वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेगा। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और हम पूरी मुखरता से ये बात कहेंगे कि हम तुम्हारी गुंडई के खिलाफ भी लड़ेंगे, लेकिन हम 13 पॉइंट रोस्टर पे भी लड़ेंगे, हम सीट कट फंड कट पे भी लड़ेंगे, और ये जो अंबानी अडानी के इंस्टीट्यूशन बनाने की तुम्हारी साजिश है हम इसके खिलाफ भी लड़ेंगे। और आप कल्पना करिए कि ये मुल्क कैसे चल रहा है, कैसे कारगिल युद्ध तब होता है जब अटल बिहारी को लगता था कि सरकार नहीं बनेगी, अब चुनाव आने वाला है तो आपको पाकिस्तान पर हमला करना, बेशक करिए, पूरा पाकिस्तान कब्जा कर लीजिए, हमें क्या दिक्कत है, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये सारी बहसें खत्म हो जाएं, और ऐसे ही आप किसी प्रोफेसर का कॉलर पकड़ के कहो कि बोलो भारत माता की जय, नहीं तो हम तुम्हें मारेंगे। हम इसकी निंदा करते हैं और हम ऐसे छद्म राष्ट्रवाद के खिलाफ कल भी थे और आज भी रहे। साथियों, एक बात और समझने की जरूरत है, इस कैंपस में इतनी पुलिस और पैरामिलिट्री की जरूरत क्या है, क्योंकि इनको भी पता है कि इस कैंपस में कुछ लुम्पेन ऐसे आ गए हैं जो असहमतियों का सम्मान नहीं करते, उन लुम्पेन से बचाने के लिए ये इतने लोग खड़े हैं। और इस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, वो भी ये चाहता है कि ऐसे ही रोज पुलिस आए, ऐसे ही जो स्टूडेंट और टीचर्स हैं वो अपना काम छोड़ करके यहाँ बैठे रहें, और ये सब प्रकारांतर से उस फेक इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री वाले का साजिश में हिस्सेदार हैं, क्योंकि ये कैंपस को बर्बाद करना चाहते हैं। तो हम आपके इस लड़ाई में पूरी तरह से साथ हैं, और हम ये चाहते हैं कि और ताकत से इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ये लड़ाई जारी रहे, ताकि अगली बार किसी को ये हिम्मत ना हो कल को भाई। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक तो बगल बच्चा संगठन जो लुम्पेनों से भरा है वो तो जो काम कर रहा है कर रहा है, इनका एक शिक्षक संगठन है जिसका एक प्रतिनिधि अभी ईसी का चुनाव जीत गया है, और चुनाव नहीं जीत रहा था, जीत गया उसके बाद उसे समझ में ही नहीं आ रहा क्या करना है, तो रोज कह रहा है बमपंथियों को बाहर करो और सामाजिक न्याय वालों को बाहर करो, यानी कि वो खुद कैसे एंट्री कर गया यही नहीं पता है, तो वो सबको बाहर करना चाह रहे। तो मैं ये कड़े शब्दों में आलोचना करना चाह रहा हूँ, ये जो सरकारी संगठन है शिक्षक संगठन जो नागपुरिया कानून से संचालित होता है, वो इस घटना के पीछे शामिल लोगों को बढ़ावा दे रहा है, वो कह रहा है कि अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप मारे जाएंगे। तो हम भी तुमसे पूछते हैं कि तुम ऑर्डिनेंस नहीं ला रहे हो तो हम भी लाठी लेके चलें तुमसे पूछने कि तुम्हारी सरकार है कैंपस में, तब तक मत घुसना जब तक 13 पॉइंट रोस्टर पर ऑर्डिनेंस नहीं लाओ।
जब तक कैंपस में मत आना, जब तक तुम ये जो प्राइवेटाइजेशन हेफा ले आ रहे हो, फंड कट कर रहे हो, 70-30 ले आ रहे हो, और इतना एडहॉक टीचर आ गया, एमफिल पीएचडी की सीटें घटा रहे हो, ये सारी चीज़ें तब तक मत करो जब तक तुम ये सारा काम नहीं करते, तब तक तुम्हारी ठेकेदारी नहीं चलेगी। तो अब इस मुल्क को तय करना है कि ये संविधान से चलेगा या उनकी मनुस्मृति से चलेगा। वो पहले भी तय था कि इस देश में कौन पढ़ेगा और कौन नहीं पढ़ेगा। आज जब सब पढ़ने लगे, सब सवाल करने लगे, तो इसी से वो बेचैन है, तो इस तरह के हमले हो रहे हैं। मैं आपके इस क्रांतिकारिता का सलाम करता हूं कि हम लोग अपने लिए ही नहीं, इस विश्वविद्यालय को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और 2 मार्च को आदिवासी सड़क पर जाएंगे, वहां भी आइए कि उनकी जमीन छीन ली गई। एक 13-point रोस्टर लाया गया जिसमें 14वीं सीट ट्राइबल्स को जाती थी और 14वीं सीट कभी आएगी ही नहीं, यानी इस मुल्क में कभी आदिवासी प्रोफेसर बन ही नहीं सकता। अब उनकी जल जंगल जमीन उसको भी छीन रहे हो। उसके बाद ये मनुवादी रोस्टर लागू कर दिया, 10% रिजर्वेशन जो 11.5 घंटे की बहस में पास हो गया वो लागू हो गया। और उसके बाद ये सारे फैसले जो लागू होते जा रहे हैं, और ऊपर से ये हमला हिंसा, तो हम सारे लोगों को एक मिला जुला, कल मैं यहाँ पर था तो दौलत राम कॉलेज की लड़कियाँ यहाँ पर रोड ब्लॉक की हुई थी। ये इस कैंपस की खूबसूरती है कि जैसा मुल्क सावित्रीबाई फुले फातिमा शेख बनाना चाहते थे, वैसा विश्वविद्यालय कमोबेश दिल्ली विश्वविद्यालय बन गया है। और इसमें आप सबके नारे शामिल हैं, आप सबकी तनी हुई मुट्ठियां शामिल हैं। मैं उनको क्रांतिकारी सलाम करता हूं, और जब तक ये लड़ाई जीती ना जाए तब तक हमें बार बार आना पड़े तो हम आएंगे और लड़ेंगे, और इन संघी गुंडों को ये सबक सिखाएंगे कि ये कैंपस तुम्हारे बाप का नहीं है, ये संघियों का नहीं है, ये कैंपस इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की बुनियाद है, और हम इसको बचाने के लिए लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।